विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधता है कि वो किसी की नहीं सुनते, पीएम मोदी ही सारे फैसले लेते हैं। अगर वो सभी को साथ लेकर चले तो देश की आर्थिक दशा इस तरह से खराब नहीं होती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो कई बार पीएम को अभिमानी तक कह चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है। गडकरी ने एक किस्सा सुनाया जो उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि गडकरी ने पीएम मोदी की कार्यशैली पर तंज कसा है। दरअसल बेंगलुरु में हुए कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि कभी कभी छोटे लोगों से भी कुछ बातें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि अच्छी बातों के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं मंत्री हूँ, मुझे कौन सिखा सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं है। मुझे अभी तक ये बातें समझ में नहीं आई कि लोग मुझे रोड एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं। कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया है, मुझे भी एक बार इसका अहंकार आ गया था। मैं खुद ही अपने घर का कॉन्ट्रैक्टर बन गया। हमारा मिट्टी का घर था बहुत बड़ा, मैंने आर्किटेक्ट को निकाल दिया। उस समय मुंबई में फ्लाईओवर वर्ली बांद्रा सी लिंक एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, जिसके बाद मुझे भी बड़ा अहंकार हो गया था कि मुझे सब समझ आ गया है। मैंने अपने मन से घर को डिजाइन किया, बाद में मेरे बेडरूम में पलंग के सामने पिलर आ गया। तब मुझे मालूम हुआ कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर की बात मान लेता तो ठीक होता। मैंने गलती की। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।